क्या मैं ज्योति यहीं रहती हैं? फरमाइए, मैं ही ज्योति हूँ। ओह हाउ नाइस। देखिए मैं चांद हूँ, ऋषिकेश से आया हूँ। आइए अंदर आइए। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। माँ कैसी है? ठीक है जी, बैठिए। थैंक यू। माँ का खत आया था कि आप मुझे देखने आने वाले हैं। जी जी। जैसा नाम सुना था वैसा ही पाया। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जानना? जी नहीं। कमाल है, लेकिन मुझे जानना है, अगर आप बुरा न माने तो। शौक से पूछिए। बीवी का आपकी नजरों में क्या स्थान है? बराबर का साथी। शादी के बाद आप मुझे नौकरी करने देंगे या नहीं? शादी के बाद आप अपनी मर्जी की उतनी ही मालिक हैं जितना कि आज। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरा एक कॉलेज फ्रेंड ज्ञान के साथ प्यार रहा है तो? आप तो मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, प्यार करना कोई पाप नहीं, प्यार तो भगवान का वरदान है। आपने किसी लड़की से प्यार किया है? जी आज तक तो नहीं। मैं अपना सारा प्यार अपनी होने वाली बीवी को देना चाहता हूँ। बीवी? ज्ञान की बीवी, जिनके बारे में अभी आपसे जिक्र किया था ना, वो अनिशा, यही मिस्टर चांद। जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ये खुशी तो आपको पहले भी प्राप्त हो चुकी है। जी मुझे कुछ याद नहीं। आप ऋषिकेश के रहने वाले हैं? हाँ। निशा, तुम इन्हें जानती हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ इन्हें। यही वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी को कांटे की सेज बना दिया। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मेरी समझ में आता है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। देखिए, आप एक शरीफ इंसान की हिंसा कर रही हैं। जी नहीं, मैं सिर्फ आपको जाने के लिए कह रही हूँ। अगर आप एक पल भी यहाँ रुके तो आपकी इंसल्ट हो सकती है। अच्छा। ज्योति, मिस्टर ज्ञान को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि ये हाथ निशा के जिस्म से दर्जनों बार खेल चुके हैं। तीन सौ दो प्लीज। अरे चांद बाबू, आप और यहाँ? हद हो गई यार। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये तो और हद हो गई। अपने अपने पंडित लल्लू प्रसाद को नहीं पहचाना जिसके सामने कुमारी निशा को विधवा बना दिया था आपने? पंडित जी, फैंटास्टिक, अब पहचाना आपने। अरे चांद बाबू, निशा की शादी अब हो चुकी है विल्सन कॉलेज के प्रोफेसर ज्ञान के साथ। जानता हूँ, निशा की जो चचेरी बहन है ना, उसके साथ मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मान गए यार, इसीलिए तो बॉम्बे आया हूँ। चांद बाबू, आपकी नजर उसकी बहन पे भी आने लगी। आप तो जादूगर हो जादूगर। देखो कमरे में आना और फिर इत्मीनान से बात करते हैं। बातें तो अब ऐसी होंगी चांद बाबू कि तुम भी याद करोगे। जी मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा देखो, चांद के आदमी तुम्हें और स्वामी जी को जबरदस्ती पकड़कर शादी के मंडप पर लाए थे। हाँ। और उसके बाद तुम बेहोश हो गई। हाँ। और फिर तुम्हारे बेहोश होने के बाद? ये तो बेहोश हो गई, अब शादी कैसे हो सकती है? शादी इसी हालत में होगी पंडित। तुम मंत्र बोलो जल्दी। बोलता हूँ। अरे ये तो मर गया। विधवा हो गई। जब शादी नहीं हुई तो विधवा।
तुम्हें भी अपनी बीवी को विधवा बनाना क्या पंडित? नहीं, हो गई, बिल्कुल विधवा हो गई जी। मैं जाऊं? अब बताओ, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? कहो हाँ। हाँ पहचान लिया। आप बता सकते हैं कि चांद कहाँ ठहरा है? बता सकता हूँ, होटल हाईवे इन में। लेकिन आप लोग जरा होशियार रहेगा, आपको शादी के बाद विधवा बना दिया, कहीं इनको शादी के पहले ही विधवा न बना दे। अच्छा नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते। तुम क्या सोच रहे हो निशा? ये सब बकवास है, तस्वीर किसी के साथ भी खिंचवाई जा सकती है। अगर वो सब बकवास है तो फिर ये क्या है? आंखें खोल कर देखो ज्ञान बाबू, निशा ने बूढ़े सन्यासी तक को नहीं छोड़ा। बाप के मरते ही जो लड़की उसके बेटे से शादी कर ले, उस लड़की का कैरेक्टर क्या हो सकता है? अगर और कुछ जानना चाहते हो तो हाईवे इन होटल में चले आना, मैं वहीं ठहरा हूं। मारने, लेकिन अब इरादा बदल गया है। इरादा क्यों बदल गया? इसलिए कि जो हाथ दर्जनों बार तुम्हारे जिस्म से खेल चुके हैं, शायद तुम्हारा खून ना कर सके। तो अब फिर क्या इरादा है? बस तुम्हारी तरह आजाद जिंदगी बिताने का। और फिर ज्ञान बाबू? शादी के उस साइन बोर्ड को भी आज ही उतार कर फेंक दिया है मैंने। वेरी गुड, तो चलो फिर रूम में बैठ के बातें होंगी। अच्छा, तो अब भी दिलचस्पी है मुझ में? बेहद। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, रूम में। कौन सा रूम है तुम्हारा? 302। तुम चलो, मैं अभी कपड़े बदल के आया। 302 दफा 302 सजाए मौत। पता नहीं कहाँ चले गए, कितनी देर हो गई है। निशा तुम आ गए? कहाँ है वो जलील औरत? ज्ञान, अपनी धर्मपत्नी के बारे में ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। धर्मपत्नी? धर्म और पत्नी दोनों के नाम पर एक बदनुमा दाग है वो। जानती हो वो किसकी बेवा है? जानती हूँ। और ये भी? और ये जानते हुए भी कि वो मेरे पिता की बेवा है, तुमने उसकी शादी मुझसे करवाई? नहीं ज्ञान, नहीं। मेरी शराफत, मेरे जज्बात से हमदर्दी के नाम पर खेला तुमने, अमृत के नाम पर जहर दिया मुझे। ये जानते हुए भी कि निशा एक नागिन है, उसे मेरी आस्तीन में पलने पर मजबूर किया। ये तोहमत है मुझ पर निशा। पूछ सकता हूँ किस नाम से बुलाऊं उसे? बीवी या? बस करो ज्ञान, बस करो। भगवान के लिए ऐसी बात भी मुंह से मत निकालो जिसे सुनकर धरती का सीना कांप उठे। तुम भूल रहे हो, इंसान चाहे कितना भी शैतान बन जाए, भक्षा करते हैं। मतलब उसका, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनना होगा, निशा के संग तुम्हारे पिता की शादी कभी नहीं हुई थी। वो एक चाल थी जान की, निशा को बदनाम करने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए। मुझ पर विश्वास करो ज्ञान, वो शादी सिर्फ एक नाटक था। और उस नाटक के एक अहम कलाकार तुम थे, जिसने पहले मुझसे अपने प्यार का नाटक खेला और बाद में निशा जैसी धोखेबाज लड़की। तुम्हें धोखा हुआ है ज्ञान, निशा एक ऐसी मजबूर और अभागन औरत है जिसे कदम कदम पर ठोकरें मारी गई। उसकी बेबसी की शुरुआत मेरी माँ ने की, उसे जिल्लत के कुएं में ढकेला और फिर कुदरत ने एक अजीब मजाक किया उसके साथ। ये झूठ बकवास है। तुम मेरा विश्वास करो ज्ञान, ये सब सच है। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो होटल हाईवे में जाकर सच्चाई जान सकते हो। वहाँ पे एक आदमी, मैं जानता हूँ वो आदमी कौन है। निशा जरूर उसी से मिलने गई होगी। सुनो ज्ञान, तुम्हें फिर गलतफहमी हो रही है। मैं कहता हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। निशा,
जिसे तुम मिल गए उसे और क्या चाहिए? कुछ तो नहीं ले लेना थे। निशा, आज तो तुम बड़ा सी हसीन लग रही हो। बिल्कुल उस नागिन की तरह ना, जिसका जहर जुम जुम बढ़ता है, वो उतनी ही हसीन नजर आती है। लेकिन तुम नागिन की तरह जहरीली तो नहीं हो। ये कैसे जाना तुमने? अगर तुम नागिन होती तो मुझे उसी दिन ना डस लिया होता जब स्वामी जी मर गए और मैंने दुनिया के सामने तुम्हें उनकी बेवा बना दिया। और आज भी कुछ नहीं करूंगी, ये कैसे समझ लिया? आज तो तुम मेरे कलेजे से लगोगी मेरी जान। आज तो गिन गिन कर बदले लूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी तुम। निशा, ये क्या बचपना, कहीं ऐसा ना मेरा हाथ तुम पे उठ जाए। आज तेरी नहीं मेरी बारी। ये पिस्तौल तुम्हारी जान भी ले सकती है। नहीं। लेकिन मैंने कहा था ना, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। I'm sorry, निशा। निशा, निशा, मुझ पर रहम करो निशा। तुमने रहम किया था मुझ पे, जो आज मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो? हट जा निशा, अब इससे मुझे हिसाब चुकाना है। जो मजा है